आओ फिर हम प्रभु के वचन को देखेंगे। हालेलुया, प्रभु परमेश्वर अपना वचन भेजता है, अपना सपना देता है, अपने दासों को भेजता है, संदेश भेजता है, और यहाँ देखते प्रेम भेजता है और डंडे भी भेजता है, डंडा भी देता है, स्वर्गदूत भेजता है, भविष्यद्वक्ताएं भेजता है, अपना बेटा यीशु को उसने भेजा। हालेलुया, इससे बढ़कर क्या चीज है। हालेलुया, यस, हमको बहुत कुछ वो भेजता है। और लेकिन जब हम परमेश्वर के मार्ग पे नहीं चलते, जब हम परमेश्वर के रास्ते पे नहीं चलते, तो वो हमें दंड भी देता है, हमें डंडे लगाता है प्रभु, और वो डंडे लगा के जो है वो सही रीति से चलाता है। तो जो जो प्रभु परमेश्वर के विरोध में रहता है, परमेश्वर उनको दिखाता है कि मैं कैसा परमेश्वर हूं, चाहे वो इजरायली लोग हो चाहे वो गैर इजरायली लोग। इजरायली लोगों के बीच में भी बाइबल में अगर पढ़ें तो गिनती उसका 21 अध्याय है और उसके 6वें वचन में लिखा हुआ है। कृपया उस वचन को पढ़े, जोर से माइक पे पढ़े, जो भी वचन पढ़े माइक पे पढ़े, ताकि हमको जो है समझ में आएगा सबको। गिनती 21:6, अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इजरायली मर गए। और बहुत से इजरायली मर गए। परमेश्वर ने यहाँ पे ये नहीं लिखा कि शैतान ने उनके बीच में जो है सांप भेजे, लेकिन परमेश्वर ने इजराइल लोगों के बीच में विषैली और जहरीले सांप भेजे और वे उनको डसने लगे। वहां पे मूसा भी था लेकिन मूसा को नहीं डसा, वहां पे बहुत सारे पवित्र लोग थे और वो सांप उनको नहीं डसे। परमेश्वर के सांप उन्हीं को डसते हैं जो पाप करते हैं, परमेश्वर के सांप उन्हीं को डसते हैं जो बलवा करते हैं, परमेश्वर के सांप विषैली सांप जहरीले सांप उन्हीं के ऊपर वो सारी समस्या आती है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते। और इसलिए बाइबल में लिखा है कि वे सांप उनको डसने लगे। क्या मूसा नहीं था वहां पे? था, लेकिन किसी सांप की हिम्मत नहीं हुई कि मूसा के पास जाए। हालेलुया, अगर आप पवित्र जीवन जिएंगे तो कोई हिम्मत नहीं होगी कि आपको कोई शैतान पकड़े। आप पवित्रता के द्वारा और प्रभु यीशु के सामर्थ्य द्वारा बचाए जाओगे, साफ हो जाओगे, जैसी करनी वैसी करनी। तो इसलिए जो है वो बहुत सारे इजरायली मर गए। मेरे ख्याल से तो वही इजरायली ज्यादा मर गए कि जिन्होंने परमेश्वर के विरोध में बलवा किया और परमेश्वर को रीस दिलाई। आओ हम परमेश्वर को रीस ना दिलाए, आओ हम परमेश्वर को रीस ना दिलाए, परमेश्वर के विरोध में ना जाए, परमेश्वर के विरोध में जाके परमेश्वर के दंड के जो है भागी ना बने, क्योंकि वो प्रेम का सागर है और भस्म करने वाली आग भी है। प्रेम का सागर तू है, प्रेम का सागर, प्रेम का सागर। अरे एक बात तो देख भैया, तेरे पर तो गुस्सा है, वो तू गाना गा जा रहा है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। प्रभु कहता है मैं तेरे ऊपर बहुत गुस्सा हूँ बेटे, थोड़ा दूर के रुक जा अभी, तुम तो गाए जा रहे हो तुम प्यार का सागर, प्यार का सागर। ये तो देखो कि तुम्हें पश्चाताप करने की आवश्यकता है, तुम्हें पापों से माफी मांगने की आवश्यकता है। हालेलुया, यस। तो विषैली जिसे जय विषैली और जहरीले सांप भेजे और डसने लगे वो इजरायली मर गए। हालेलुया, प्रभु करे कि हमको पश्चाताप करने का मौका प्रभु दे, पश्चाताप करने का हृदय प्रभु दे, और हम पश्चाताप करें, अपने सारे गंदे पापों को छोड़ दे, और हम झूठ ना बोले और हम सच्चा बोले, और हम परमेश्वर का भय माने। हमारा भला करने वाला परमेश्वर है, वो हमारा भला करेगा। हे परमेश्वर, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। परमेश्वर ने मेरे लिए बहुत बड़ी योजना बनाई है, परमेश्वर ने हर एक के लिए ब्लूप्रिंट बना के रखा है। अपनी योजना और अपनी इच्छा मत दौड़ाइए, अपने घोड़े को मत दौड़ाओ, परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन में पूरा करो। तो बहुत सारे लोग जो है आराधना करने के लिए बहुत हल्का रीति से लेते हैं, हल्के रीति से लेते हैं, बहुत लेट आते हैं चर्च में वो, और आराधना में भी जो है ताली नहीं बजा पाते वो, और वो नाचते भी नहीं और गाते भी नहीं, और वो प्रभु की आराधना अच्छी तरह से नहीं करते जैसे दाऊद किया करता था।
और परमेश्वर की आराधना वो अच्छे रीति से नहीं करते जैसे इज़राइल दाऊद के क्वायर के 4,000 लोग करते थे। तो प्रभु कहता कि मैं दाऊद का गिरा हुआ डेरा फिर से उभारूंगा और उस डेरे में अगर आपको भाग चाहिए तो आप दाऊद के समान प्रभु की आराधना करना शुरू करिए। हालेलुया। अरे आप आराधना करना शुरू करेंगे आप देखेंगे कि आपके बंधन टूटेंगे। हालेलुया। सिर्फ नाचना गाना और ताली बजाना ही नहीं लेकिन आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करनी है तब परमेश्वर हमारे ऊपर आनंदित होता है। और जब परमेश्वर के लोग जब आराधना करने के लिए जा रहे थे तो परमेश्वर के लोग जब आराधना करने के लिए जा रहे थे तो फिरौन बीच में है, नहीं तुम आराधना करने के लिए नहीं जा सकते। बहुत बार कभी कभी हमारे घर में भी ऐसे लोग उत्पन्न होते हैं, कहाँ जा रहे चर्च में, क्या करोगे, नहीं जाना चाहिए, बैठ जाना, यहां बैठ के प्रार्थना करो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं और फिर बाद में परमेश्वर का सोटा और परमेश्वर का डंडा ऐसे लोगों के ऊपर आता है। परमेश्वर की आराधना करने के लिए जो रोकता है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो चाहे कितना भी छोटा हो, चाहे वो कितना भी बलिष्ठ हो चाहे वो कितना भी कमजोर हो, परमेश्वर उसको अपना डंडा जरूर दिखाता है। परमेश्वर उसका नाश जरूर करेगा क्योंकि उसने परमेश्वर की आराधना करने के लिए एक रुकावट बन गया। आज जब रुकावट बन गया तब परमेश्वर ने उसको फिर डंडा देना ही शुरू कर दिया। परमेश्वर के लोगों, जब फिरौन जो है यहाँ पे हम देखते कि फिरौन जब निर्गमन में कहानी बताई गई है, अगर आप देखेंगे 7 अध्याय से 8, 9, 10 सारे अध्याय पढ़ते जाइए 12 अध्याय तक, और वहां पे आपको दिखाई देगा कि परमेश्वर का सोटा ऐसे लोगों के विरोध में उठा जो आराधना के लिए रुकावट बन रहे थे। आपने घर में आराधना के लिए रुकावट मत बने। आप अगर कोई आराधना के लिए जाते हैं आपको नहीं जा रहा तो आप मत जाइए, लेकिन जो जा रहे हैं उनके लिए मत रोकिए, रुकावट बनिए। और फिरौन ने जो है वहां पे रुकावट बना, और इसलिए बाइबल में सबसे पहली जो परमेश्वर ने उनके ऊपर जबरदस्त पहली पीड़ा जो डाली वो थी पानी की। पानी बंद हो गया उनका, हमारा पानी जब बंद हो जाता तो क्या हालत होगी, आप सोचिए ना, जब पानी नहीं आता बाप रे, पानी नहीं है। लेकिन जो है चमत्कार भी होते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने बहुत बार ऐसी, ज्यादातर बार ऐसी प्रार्थना की और पानी वहीं भी आ गया, उसी दिन आ गया। किसी किसी घर में ऐसे मैंने प्रार्थना करी थी पानी आया था, यस बहुत काफी जो है बार ऐसा हुआ है कि मैंने प्रार्थना की और वहीं पे पानी आ गया और उसी दिन पानी आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पे जो आराधना करने के लिए बहुत सारे लोग तो चर्च भी क्या क्या गुरु पास्टर चर्च का टाइम हो गया और पानी आ गया है। तो ऐसे ही बहने वो कहती कि पास्टर पानी आया, मैंने दरवाजा बंद कर दिया और टैप बंद कर चर्च निकल आए। ऐसे के वैसे के पानी की, पानी आए ना आए मैं तो चर्च में जाऊंगी जरूर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यस, तो इज़राइल का परमेश्वर ने जब मिस्रियों को पहला डंडा मारा तो वो मारा क्या का, पानी का। आपके घर में पानी ना आएगा समझ लेना कि मैं कभी आराधना समय गई तो नहीं थी, कोई मिस तो नहीं करी मैंने, कोई प्रभु को गुस्सा तो नहीं दिलाया। हमारी आराधना सभा हमारे घर में चलती थी 38C में, और हम देखते थे, अब्राहम भी पता है, पास्टर अब्राहम को पता है, जाली को भी पता है कि जब सारी जगह पे पानी नहीं आता था और हमारे फ्लैट में पानी भरपूर आता था और हम पानी नहा धो के सब भर भर के रखते थे। पानी हर साल गर्मी से क्या हो गया, पानी नहीं आ रहा है। मतलब प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया, हमारे घर में आराधना सभा जो चलती है उसका फायदा हमारे घर में हो रहा है। हालेलुया। इसलिए आपके घर में प्रार्थना हमेशा होनी चाहिए, आराधना हमेशा होनी चाहिए। दूसरी पीड़ा भेजी मेंढक। मेंढक अशुद्ध प्राणी होता है। 8 अध्याय के 6वें वचन में मेंढक भेजे, 8 अध्याय के 18वें वचन में मनुष्यों के ऊपर और पशुओं पर कुटकियां भेजी, और 34वीं पीड़ी जो है पीड़ा जो थी 8 अध्याय के 23वें वचन में डांस भेजे, 9 के 3 में जो है मरी भेजी, बाप रे, और 9 के 10 में फफोले और फोड़े भेजे। एक फुंसी आते तो कितनी हालत खराब हो रही थी,
उनके सारे शरीर पे फफोले और फोड़े आ गए। देखो आराधना के विरोध में बहुत ज्यादा जो है, जो लोग आराधना में लगातार नहीं आते, आना शुरू करो भैया, जो है परमेश्वर की इज्जत परमेश्वर को दो। हालेलुया, यस। या तो किसी और चर्च में जाओ, ये चर्च अच्छा नहीं लगता है, किसी और चर्च में जाओ, लेकिन वहां पे भी ईमानदारी से जाओ चर्च में और ईमानदारी के साथ प्रभु की आराधना करो, क्योंकि परमेश्वर को ऐसा अच्छा नहीं लगता है कि हम एक संडे को नहीं आए, दूसरे संडे गए, फिर खड़े होकर बोलते मैंने पिछले संडे नहीं आया था, मैं आप पिछले चार संडे से नहीं आ रहा, मैं पिछले दो महीने से नहीं आ रहा हूं, मैं ये कोई गवाही होगी, ताकि दूसरे लोग भी ना आए, दो दो मैंने क्या कहना चाहते हैं आप। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हर रविवार को प्रभु के भवन में आए, कोई कहेगा हालेलुया, यस, प्रभु के भवन में आए, क्योंकि कितने जबरदस्त परमेश्वर की पीड़ाएं उन लोगों के विरोध में आ गई जो आराधना के विरोध में जाते थे। इज़राइल लोगों में एक व्यक्ति शाबात के दिन, जब आराधना का दिन था, परमेश्वर का विश्राम दिन था, उस समय लकड़ी बीनते हुए पाया गया और उसको बुलाया गया, इसको क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे, अरे भैया इसको किच्ची करे क्या, इसको फतरा करो, प्रभु ने कहा, और जो फतरा करके मार दिया गया उसको। परमेश्वर अपनी आराधना का महत्व कम नहीं करना चाहता, आराधना का महत्व वो बढ़ाना चाहता है, और उसको फतरा करके मार डाला गया, और प्रभु कहता कि ऐसी बुराई इजराइलियों में से दूर करो, बाप रे। तो फिर बाद में परमेश्वर ने ओले भेजे, प्राणी मारे गए, और उन ओले में बहुत बार मनुष्य भी मर गए, ऐसे बाइबल में लिखा है 9 अध्याय के 22 वचन निर्गमन। फिर वो ओले ऐसे थे कि उसके साथ आग भी मिली हुई थी, बाप रे। फिर टिड्डियां भेजी, एक भी थोड़ी भी हरियाली नहीं रही उस मिश्र देश में। फिर अंधकार भेजा, 10 अध्याय का 23 वचन, पढ़िए उस वचन को, 10 अध्याय का 23 वचन। 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा, हाँ, और ना कोई अपने स्थान से उठा, दर्शन नहीं मिला कोई दर्शन, 3 दिन तक किसी ने किसी को देखा और ना कोई अपने स्थान से उठा, मतलब जो है 3 days बेड रेस्ट, ना देखा ना उठा, सोते रहो दिन में भी सोते रात में भी सोते रहो, जो है आंख से दिखने वाले अंधकार से इतना बेड रेस्ट मिल जाता है। तो भी जिनके जीवन में आत्मिक अंधकार है, उनके जीवन में कितना बड़ा अंधकार है, उनका जीवन कितना स्टैग्नेंट है, उनके घर में सब कुछ है लेकिन वो फैसिलिटी इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनके पास सारी उपलब्धता है लेकिन वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, 3 दिन तक वो अपना पैसा इस्तेमाल नहीं कर पाए, 3 दिन तक इतना जबरदस्त अंधेरा था, बाइबल में लिखा है ना उठे ना कुछ नहीं किया, एकदम ऐसे ही पड़े रहे, बाप रे कैसा जबरदस्त अंधेरा। परमेश्वर के लोगों, जो परमेश्वर की आराधना के विरोध में जाते हैं उनको ऐसा होता है। और 12 अध्याय के 29 वचन में लिखा है कैसे उनके घर के पैलोटों को मारा, उनके पैलोटों को मारा और जो है पैलोटों को नाश कर दिया, और सारे मिश्र में ऐसी तबाही मच गई कि फिरौन रात को ही उठ बैठा, और रात में उठ बैठने के बाद में जो है उसने फिरौन से मूसा के कहा भैया मूसा चले जाओ, और चले जाओ, और वो जो है सब लोग चले गए, उसने ऐसे नहीं जाएंगे हम, जो है प्रभु ने उनको बताया था कि सबके सारे सोने चांदी के और हीरे और मानिक और मोती और जितना सारा सारा का सारा ले लो और फिर बाद में जाओ, और वो सारे के सारे लेके गए। खैर, तो ये महत्वपूर्ण बात, आज परमेश्वर की सेवा करने के लिए जब प्रभु हमको बुलाता है तो हमें जाना है। हमारे चर्च में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब उनकी ड्यूटी लग जाती तो संडे के समय में तो वो छुट्टी निकाल के आ जाता है। अरे कोई हाल तो बोलो भाई, हाल हो गया, छुट्टी निकाल के आते। और कुछ लोग ऐसे कहते तो कहते हैं अरे संडे का तो दिन तो मिलता है, क्या कहते हैं संडे का तो दिन मिलता है, अरे संडे का दिन मिलता है इसे तो प्रभु के भवन में जाना है, हाल हो गया, यस। हमको मौत की सजा नहीं चाहिए भैया, हमें ना ही कुछ और सजा चाहिए, हमें तो प्रभु के भवन में जाके आराधना करेंगे, वो हमारा विश्राम दिन है, वो हमारा आराधना का दिन है, वो हमारी गवाही का दिन है, वो हमारा देने का दिन है, वो हमें हालेलुया प्रभु यीशु का नाम ऊंचा उठाने का दिन है, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। तो बहुत सारे लोग आराधना के विरोध में जाते हैं, कृपया आराधना के विरोध में मत जाइए। बहुत सारे लोग आराधना के लिए लोगों को घर में रोकते, तू मत जा तू मत जा तू मत जा, खासकर के औरतों को दबाते आदमी लोग, आदमियों
याद रखिए कि परमेश्वर जो है आपसे बड़ा है, वो आपको बनाने वाला है, कभी भी आराधना के लिए रोकना नहीं। हालेलुया। योना को परमेश्वर ने सेवा दी थी कि जा भैया मेरे आराधक, मैं उनको बनाना चाहता हूँ, वहां पे जो है लोगों को जाके प्रचार कर ताकि वो पश्चाताप करे और प्रभु के पास आए। और योना जो है उसको हाँ 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 प्रभु को हाँ हाँ कह के वो गया और कहा बेटा तर्शीश जाने के लिए। और बाइबल में लिखा है कि जो है उस समुन्द्र में इतना तूफान उठा। बहुत सारे लोगों के जीवन में ये तूफान उठा है क्योंकि एक व्यक्ति के कारण घर में सारी परेशानी है। एक व्यक्ति गड़बड़ करता है और उसका असर सारे घर के लोगों पर होता है। एक व्यक्ति गलत काम करता है और सारे लोगों को जो है सजा भुगतनी पड़ती है। वो योना एक व्यक्ति था और उसके कारण जो है वो सारा तूफान आ गया और वो सारा नाव डूबने लगी, जहाज डूबने लगा। और उसने खुद कहा कि मेरे कारण ये तूफान आया है। उनको पता भी है कि मेरे कारण तूफान आया, फिर भी वो गलत रास्ते पे जाता है। तो लोगों ने कहा भाई क्या करें फिर, तेरा बताओ। उसने कहा क्या करते हो, उठा कर पटका दूं मुझे समुद्र में। ऐसी स्थिति बताने दो प्रियो कि लोग आप कि आप अपने आप को कहिए मुझे मार दो, मुझे मरने दो, मुझे मार दो, मुझे मरने दो। वे कर्म ही क्यों करते हो ऐसा? जब तुम कर्म ही नहीं करोगे ऐसा तो आपको बोलने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। हाँ लो भैया। और उसको सच में उठा के पटका दिया। और बाइबल में क्या लिखा है, जैसे उसको समुद्र में डाल दिया गया, समुद्र एकदम शांत, सब लोग डर गए और डर बैठ गया। अरे बाप रे, मतलब ये परमेश्वर सच्चा था भैया जिसका काम, ये आदमी जो गलत कर रहा था ना, अच्छा वो मर गया, अच्छा मर गया। खैर प्रभु ने उसके लिए एक बहुत बड़ा मच तैयार कर दिया था, एक बड़ा मच प्रभु ने भेजा। फिर से प्रभु भेजता है और जो सेवा करनी थी वो सेवा प्रभु ने उसे करवा ली। हालेलुया। तो प्रभु की आराधना के विरोध में नहीं जाएंगे, प्रभु की आराधना करने के लिए जाएंगे, प्रभु के सामने झुकेंगे, जिसने बनाया है उसकी आराधना करेंगे। हम किसी मनुष्य की थोड़ी ना आराधना करते हैं, किसी व्यक्ति की थोड़ी ना आराधना करते हैं। हम तो जिंदा खुदावंद जिसने हमें बनाया है उस परमेश्वर को प्रेम करते हैं और उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। हाँ, और प्रभु जो है हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है दंड देता है। आपको पता है जो है सदोम और अमोरा में क्या हो रहा था, हर एक को गर्लफ्रेंड थी, हर एक को बॉयफ्रेंड थी, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। शादी होने के बाद भी अनैतिक संबंध, प्राणियों के साथ संबंध, और उसलिए सारा सारी जगत जो है वो क्या हो गई थी, अशुद्ध हो गई थी, अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध। और परमेश्वर का गुस्सा संपूर्ण वो जो है सदोम और अमोरा के ऊपर आ गया। और परमेश्वर ने जो है उत्पत्ति उसके 19 अध्याय के 24 वचन में लिखा हुआ है, तब यहोवा ने अपने ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। वहां से लूत को उन स्वर्गदूतों ने पकड़ के खींच के बाहर निकाला, उसके परिवार को बाहर निकाला और स्वर्ग से गंधक और आग भेजी ऐसे व्यभिचारियों पर, ऐसे गंदे काम करने वालों पर। इसलिए प्रियो पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है, है ना। पर परमेश्वर जो है वो क्या करता है बताएगा, जो है वो अपने लोगों को बचाने के लिए बहुत कुछ करता है। परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए निर्गमन उसका 23 अध्याय का 28 वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि मैं अपने इज़राइल लोगों को बचाने के लिए, उन शत्रुओं को भगाने के लिए बर्रे भेजूंगा। बर्रे कभी काटा क्या आपको, पढ़ेंगे उस वचन को 23 का 28। और मैं तुझसे पहले बर्रों को भेजूंगा जो हिब्बी कनानी और हित्ती लोगों को तेरे सामने से भगा के दूर कर देंगे। हाँ, तुझे जगह दे देंगे, तुम्हारी रजिस्ट्री होगी वहां पर। हालेलुया। बर्रों को भेजूंगा, वो सारे जाति के लोगों को भगाऊंगा वहां पर और मैं तुमको वो जगह दूंगा। परमेश्वर जो है बर्रों को भेजने वाला है, परमेश्वर टिड्डियों को भेजने वाला है, अंधकार भेजने वाला है, मौत भेजने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो कुटकियां भेजेगा, मेंढक भेजेगा, पानी बंद करेगा, सब कुछ कर सकता है अपने महिमा के लिए, वो सब कुछ कर सकता है। और परमेश्वर सिर्फ जो है वो गलत बातें या दंड देने के लिए दंड नहीं भेजेगा, लेकिन वो अपने लोगों को प्यार भी करता है, शत्रुओं को भी मारेगा वो और आपके लिए घर देगा, आपके लिए जमीन देगा।
परमेश्वर ने अपने दास को योना को भेजा नीनवे शहर में, जो सेवा लेनी थी वो सेवा लेके रहा प्रभु, और नीनवे में योना ने प्रचार किया और नीनवे जो है पश्चाताप करने लगी। परमेश्वर ने थोमा को भारत भेजा, हालेलुया। बाइबल में मरकुस छठवें अध्याय के सातवें वचन में लिखा हुआ है, ये प्रभु यीशु ने जब अपने चेलों को भेजा जहां वो जाने वाला था, और वहां पे उसने दो दो को भेजा, उसने 12 को अपने पास बुलाया और उन्हें दो दो करके भेजने लगा और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। प्रेज द लॉर्ड, बोलिए परमेश्वर भेजता है, परमेश्वर भेजता है, हालेलुया। परमेश्वर दंड भेजता है, परमेश्वर शत्रुओं को भगाता है, यस बरों को भेजता है, और जो पाप करते हैं उनके ऊपर गंधक और आग उंडेलता है, परमेश्वर भेजता है। स्वर्ग से यही काम चल रहा है, भेजने का काम, भेजने का काम चल रहा है। जो गलत काम कर रहे हैं उनके लिए एड्स और बीमारियां तकलीफें और परेशानियां दे रहा है प्रभु, और जो पवित्र रहते हैं उनके ऊपर ब्लेसिंग और आशीष और ये और वो सब आ रही है। आपके ऊपर प्रभु की आशीष आ रही है, हालेलुया। जो पवित्र जीवन जी रहे हैं उनके ऊपर परमेश्वर की आशीष आ रही है, हालेलुया। जो शुद्ध जीवन जी रहे हैं परमेश्वर की आशीष उनके ऊपर आ रही है, हालेलुया। बोलिए परमेश्वर भेजता है, मेरे ऊपर परमेश्वर आशीष भेजेगा, क्योंकि मैंने पश्चाताप किया है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सच्चा बोलूंगा, परमेश्वर के साथ विश्वास करके रहूंगा। फिर परमेश्वर क्या भेजता है बताए, परमेश्वर स्वर्गदूत भेजता है, हालेलुया। उस वचन में लिखा है निर्गमन उसका 23 अध्याय का 20 वचन, सुन मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ। सुन मैं एक दूत, 10 दूत, 15 दूत, 15 दूत, 100 दूत नहीं, एक दूत, कितना? एक दूत तेरे सामने भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। काय के लिए भेजता है वो? मार्ग में तेरी, मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है, हमारे मार्ग में रक्षा करता है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बार प्रभु परमेश्वर हमें संभालता है, कितनी बार एक्सीडेंट हुआ लेकिन प्रभु ने रक्षा की, प्रभु ने मरने से बचाया। प्रभु का धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद। हमारा प्रभु बचाने वाला है, हमारा प्रभु हमारी रक्षा करने वाला है, हालेलुया। मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। और आगे बढ़ी बेटा, और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। जिस स्थान को मैंने तैयार किया है तेरे लिए उसमें तुझे पहुंचाएगा। हमारे लिए प्रभु ने स्थान तैयार किया है। प्रभु कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम किराए के घर में रहते हो चिंता मत करो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारे पास घर नहीं है चिंता मत करो। प्रभु कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं तुम्हारे लिए घर बनाने के लिए जाता हूँ, जब वो बन जाएगा तो मैं आऊंगा और तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा, और हमेशा हम वहीं रहेंगे, जहां मैं रहता हूँ वहां तुम भी रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर हमारे पास जो है, पौलुस भी किराए के घर में रह के चर्च उसने चलाया, शाऊल का जब पाउल हो गया तो उसने किराए के घर में सेवकाई करी। आज कितने सारे पास्टर किराए के घर में जाके प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। हम भी जो है प्रभु परमेश्वर की सेवकाई के लिए जो है क्या करना है, आगे बढ़ना है। जिस स्थान को मैंने तैयार किया है वो स्वर्गदूत तुझे उस जगह तक पहुंचाएगा। लेकिन उस स्वर्गदूत की कुछ खासियत है, उस स्वर्गदूत की कोई विशेषता है, वो आगे विशेषता लिखी पड़ी है ना आगे, उसके सामने सावधान रहना। हाँ भैया, वो स्वर्गदूत के सामने कैसे रहना? सावधान। क्यों सावधान रहना के लिए? और उसकी मानना, उसकी मानना, सावधान रहना, उसकी मानना, उसका विरोध ना करना। हाँ, उसका विरोध ना करना। बहुत बार हम परमेश्वर के दासों का विरोध करते हैं, लेकिन इस स्वर्गदूत का विरोध नहीं करना, नहीं तो क्या होगा? क्योंकि वह तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। तुम्हारे अपराध, क्योंकि तुमको मैंने उस स्वर्गदूत के अधीनता में रख दिया है, वो तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। ऐसा डंडा मारेगा ना, झापड़ लगा देगा, सही रास्ते पे लाएगा तुमको। गलत काम करोगे तो तुम मार के सही रास्ते पे लाएगा, अच्छा काम करोगे तुम्हारी रक्षा भी करेगा,
और वहां भी पहुंचाएगा सियोन देश में, जहां पे हालेलुया मैंने तुम्हारे लिए जगह तैयार किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर के लोगों जो है वो कितना सुंदर बात आज की, परमेश्वर ने हमारे लिए जो है स्वर्गदूत भेजे हैं, वो तेरे निमित्त अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से भेज लेंगे। तू सिंह जब स्वर्गदूत साथ में होगा, जब प्रभु की उपस्थिति साथ में होगी, तो सिंह भी क्या है हमारे सामने। हालेलुया। तो आपको पता है बाइबल में लिखा है कि किसी को भी तुम तुच्छ मत जानना, किसी को भी तुम, क्यों? क्योंकि शाबाश, क्योंकि उनका स्वर्गदूत परमेश्वर को हमेशा अपना मुंह दिखाता है। इसका मतलब यह कि हरेक को इस वचन के बेस पर मैं ये कह सकता हूं कि हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत दिया है। एक कम से कम एक स्वर्गदूत तो हर एक को दिया गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उस वचन के अनुसार, भजन संहिता 91 के अनुसार, वह तेरे निमित्त अपने, तेरे निमित्त मतलब कितने लोग हो गए, अपने स्वर्गदूतों को मतलब कितने हो गए, मतलब एक व्यक्ति के लिए एक से ज्यादा स्वर्गदूत प्रभु कहता है कि मैं दे दूंगा, उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया, तालियां प्रभु यीशु मसीह के लिए। ओह थैंक यू जीसस, स्वर्गदूतों के लिए, एंजल्स के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये जो बड़े राजनीति होते हैं, राजनीतिक बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स, उनको जो है सुरक्षा के लिए क्या दिया था पता है, बॉडी गार्ड, ब्लैक कैट्स। और हमारे क्या है, व्हाइट स्वर्गदूत। प्रेज द लॉर्ड। हमें जो है ब्लैक डॉग्स की जरूरत नहीं है, ब्लैक कैट्स की जरूरत नहीं है, हमारे पास तो एंजल ऑफ गॉड। हालेलुया, तालियां यीशु के लिए। थैंक यू जीसस, वो तेरे निमित्त आज्ञा देगा। हालेलुया, वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। तो वीआईपी कौन है फिर? वो लोग है वीआईपी, हम लोग है, क्योंकि हम वाले स्वर्गदूत भेजे गए। हालेलुया, आनंदित हो जाओ क्योंकि प्रभु हमसे प्यार करते हैं, प्रभु आपसे प्यार करते हैं। हालेलुया, और हमारे लिए उसने स्वर्गदूत भेजा है, स्वर्गदूत भेजा है। हालेलुया, कोई ऐसी ब्लैक कैट वगैरह नहीं भेजी हमारे लिए। आजकल तो ब्लैक कैट को तो जो है अशुभ मान रहे, कोई ब्लैक कैट जाएंगे तीन लोगों को जाने दो, हम तो नहीं मानते क्या, लेकिन जो है वो तो अशुद्ध मान जाते, लेकिन जिसके पास स्वर्गदूत होते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा पास्टर आपकी गाड़ी पर मैंने देखा आज स्वर्गदूत चल रहा है, इतना सुंदर स्वर्गदूत लग रहा है, तुम्हारी गाड़ी के ऊपर ऐसा उड़ रहा है वो। कहा प्रेज द लॉर्ड, ये तो बात सच्ची है। और मैंने कहा कि ये बात सिर्फ मेरे लिए नहीं है लेकिन हर विश्वासी के लिए है। वो तेरे निमित्त आज्ञा देगा, वो तेरे रास्ते में तेरी रक्षा करेगा। अभी तक तो हम में से, मैं भी उनमें हूं और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो दुनिया में रहते ही नहीं, हम लोग दुनिया में रहते नहीं, लेकिन उसने आदेश दिया स्वर्गदूतों को, है ठीक है, चोट आ गई कोई बात नहीं, संभाल के रखना उसको, मेरा बंदा है, मेरा बंदा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो लुका उसका पहला अध्याय और उसके 18 वचन देखो, परमेश्वर को कोई मिशन को अकम्प्लिश करना है, परमेश्वर को कोई मिशन को पूरा करना है तो वो अपने स्वर्गदूतों को भेजता है। क्या कहते हैं वहां पे, जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, ये मैं कैसे जानूं क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ। मैं कैसे जानू ये मुझे जो है बच्चा मिलेगा, मैं तो विश्वास नहीं करता, स्त्री धर्म भी खत्म हो गया, आदमी धर्म भी खत्म हो गया, अब कौन सा धर्म रह गया भैया, भाई मेरे कुछ नहीं रह गया अभी, मैं कैसे जानू? अरे मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता हूं, मैं परमेश्वर का स्वर्गदूत हूं। हालेलुया, वो कहता है कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहता हूं और वहां से आया हूं मैं,
मैं जिब्राइल हूँ, फिर से पढ़ना, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ। क्या बात है, वो अपने आप को इसलिए बड़ा मान रहा है कि वो ये कह रहा है कि मेरा स्थान परमेश्वर के सामने है। तुझे क्या लगता है, मैं जिब्राइल इसलिए हूँ कि मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ। हालेलुया, और आगे बढ़ो। और मैं तुझसे बातें करने और तुझे ये समाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। भेजा गया हूँ, फिर से भेजा गया हूँ। स्वर्गदूत भेजे जाते हैं, स्वर्गदूत भेजे जाते हैं। मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे बार स्वर्गदूत भेजे गए, वो डायरेक्ट ऐसे स्वर्गदूत दिखाई नहीं दे, लेकिन लोगों के रूप में मैंने स्वर्गदूत देखे। लोग ऐसे अचानक आ गए, पता नहीं कैसे क्या हो गया और वो काम बन गया। स्वर्गदूत भेजता है परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं तुझे मेरे तेरे साथ बातें करने के लिए भेजा गया हूँ। आगे बढ़ो। और मैं तुझे ये सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा गया हूँ, यस। तो परमेश्वर के लोग, कितनी खुशी की बात, परमेश्वर हमारे पास स्वर्गदूत भेजता है। वो भेजने का काम अभी भी कर रहा है। हालेलुया। और वो स्वर्गदूत बहुत बार जो है, हम स्वर्गदूत हमारी लड़ाई भी लड़ते, पता आपको, स्वर्गदूत हमारी लड़ाई भी लड़ते हैं, जो है दुष्ट आत्माओं को मार देते हैं, यहाँ तक कि दुष्ट लोगों को भी भगा देते हैं। बहुत बार जो है हम कोई झगड़ा होते, हम एकदम अस्थि ने ऊपर करते हैं, अरे तू क्या आ जा, तू आ जा आ जा, हम ऐसे करते हैं। लेकिन हम ऐसे करने की जरूरत ही नहीं है। जो है प्रॉफिट्स, बड़े बड़े परमेश्वर के दास, वो तो बस खड़े रहते हैं, देखते रहते हैं, और वो दुष्ट आत्मा पैसे भाग जाती है। और वो पढ़े ना उस वचन को, निर्गमन उसके 33 अध्याय का दूसरा वचन। और मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा और कनानी एमोरी हित्ती परिज्जी, कनानी एमोरी हित्ती परिज्जी हिब्बी और यबूसी लोगों को बरबस निकाल दूंगा। हाँ, हिप्पी लोगों को और यबूसी लोगों को। हिप्पी क्या, हिप्पी है यहाँ, ओके, मुझे हिप्पी लिखा है यहाँ पे। हिप्पी और यबूसी लोगों क्या दूंगा, परमेश्वर हमारे शत्रुओं के लिए, हमारे शत्रुओं के विरोध में लड़ता है। ताली बजा प्रभु के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, बोलो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तो यहाँ निश्चय है, हमारे शत्रुओं के विरुद्ध लड़ने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका विजय परमेश्वर लाएगा और आपके सामने खड़ा कर देगा। हालेलुया, 6-6, 5-5, 6-6, 7-7 जातियों के साथ परमेश्वर इजराइलियों के लिए लड़ा और कहा कि मैं अपने दूत को भेजूंगा। एक ही दूत जो है इतनी सारी जातियों को सत्यानाश कर देगा। हालेलुया, अब तो एक आदमी को साथ जाए दुश्मनी मिल जाती तो रात को नींद नहीं आती तो। लेकिन यहाँ पे हम देखते कि इतने सारी जातियों को तुम्हारे सामने से नहीं, मैं अपना दूध भेजूंगा यार, डोंट वरी। और वो कहते डोंट वरी यार, डोंट वरी, अपना दूध भेजूंगा ना मैं। क्या बात है, परमेश्वर ने जो है उस राजा के 185,000 लोगों को, सैनिकों को कितने दिन लगे मारने के लिए, एक रात में 185,000 ऐसे मर गए जैसे तो ही कोई थे नहीं, और ऐसे मर गए, और एक स्वर्गदूत के द्वारा धड़ 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 धड़, पता नहीं कौन सी तलवार ली होगी उसने, वो सो रहे सत्य वैसे मार दिया। कैसे मार दिया उनको, काट दिया क्या, उनको ब्लड प्रेशर दे दिया और क्या उनका जो है क्या कर दिया, भैया प्रभु जाने, जो है जीवन देना और जीवन लेना ये प्रभु के हाथ में। हालेलुया, मैं अपने स्वर्गदूत को भेजूंगा, बोलना, मैं अपने स्वर्गदूत को भेजूंगा। परमेश्वर ने कहा मैं अपना स्वर्गदूत भेजूंगा, तेरे निमित्त भेजूंगा। परमेश्वर स्वर्गदूत भेजेगा, मेरे निमित्त भेजेगा, मेरे शत्रुओं को दूर करने के लिए भेजेगा, मेरी रक्षा करने के लिए भेजेगा, जो जगह परमेश्वर ने मेरे लिए बनाई है वहां तक ले जाने के लिए स्वर्गदूत भेजेगा, परमेश्वर भेजेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब यूसुफ जो है इसमें था जेल में था, बाइबल में लिखा है 105 में घर जाके पढ़िए, और राजा ने अपने दूत को भेज के उसको छुड़वा लिया, और राजा पढ़ी उस वचन पढ़ लेते, बहुत अच्छा वचन है वो, वचन संहिता 105 का 17 वचन से लेकर 20 वचन तक पढ़िए बेटा। उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था
जो दास होने के लिए बेचा गया था, लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। वह लोहे की सांकलों में जकड़ा गया। तब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। तब राजा ने दूत भेजकर उसे निकलवा लिया और देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए। यस, और उसको प्रधानमंत्री बनवाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब प्रभु आपके बंधन तोड़ेगा, जब स्वर्गदूत भेजा जाएगा, जब परमेश्वर का डिलीवरेंस मिनिस्ट्री आपके साथ होगी, तब कोई भी शैतान आपके विरोध में रहने पाएगा। हालेलुया, आप पश्चाताप करना शुरू करिएगा घर जाके और सच्चाई पे कायम बने रहे। सच्चाई और पवित्रता तुम्हें छोड़ ना कभी छोड़े, और उसको पकड़े रहना और देखना कि परमेश्वर ने आपके लिए जो योजना बनाई है वो योजना परमेश्वर पूरी करेगा। हालेलुया, परमेश्वर ने बारिश भेजी, परमेश्वर ने आशीष भेजी, परमेश्वर ने डास कुट किया दंड भेजा, परमेश्वर ने हालेलुया दूध भेजे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो परमेश्वर ने भेजा वो क्या पता है? खुदा का बेटा यीशु मसीह। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को भेजा। गलतियों चौथे अध्याय का चौथा वचन, वहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जब समय पूरा हुआ। पढ़िए उस वचन को। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। हाँ, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जब समय पूरा हुआ। हालेलुया, अभी हमारा भी समय पूरा हो गया है और अब परमेश्वर जो है हमारे बंधनों को तोड़ेगा। जब परमेश्वर ने जो है यीशु को भेजा, हालेलुया, तो हमारे लिए क्या वचन है? फिर अभी हमारे लिए परमेश्वर ने यीशु को भेजा, ये तो बात हम मान लेते हैं, लेकिन हमारे लिए क्या वचन है? यस, कैसे, कहां लिखा है? पढ़िए उस वचन को पहले। लुका उसका, यूहन्ना उसका 20 अध्याय का 21 वचन, यूहन्ना 20 का 21। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूं। हालेलुया, जैसे पिता ने मुझे भेजा है मैं तुम्हें भेजता हूं, ताकि जाके तुम अच्छी पिकनिक मनाओ। काहे के लिए भेजा प्रभु ने आपको? प्रचार के लिए, प्रभु की सेवकाई के लिए। हालेलुया, परमेश्वर जो है भेजता है, उसने हालेलुया सैक्रिफाइस करने के लिए भेजता है प्रभु। प्रभु कहता है कि क्या करो, तुम जो है सैक्रिफाइस करो, मेरे पीछे जाना, मेरी आज्ञा पालन करना चाहता हो, सैक्रिफाइस करो। पढ़ी उस वचन को, परमेश्वर का वचन, मरकुस उसका 10 अध्याय का 21 वचन। मरकुस 10 का 21 में जो है प्रभु यीशु मसीह के पीछे एक जवान आना चाहता है कि प्रभु मैं तेरे पीछे आना चाहता हूँ, अनंत जीवन पाना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा, सच में? हाँ, जा तेरा सब कुछ बेच और मेरे पीछे हो ले। जा, पहले तू जा, सब कुछ बेच और मेरे पीछे हो ले, और स्वर्ग में तुझे पैसा मिलेगा। पढ़िए उस वचन को। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा और जो कुछ तेरा है उसे बेच कर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह की आज्ञा पालन करनी है। जब हम प्रभु की सेवकाई करते हैं और प्रभु अगर हमको भेजता है, इसलिए भेजता है ताकि हम सैक्रिफाइस करें प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए कुछ खर्चा करें। प्रभु कहते हैं कि स्वर्ग में तुम्हें मिलेगा, दशमांश दे ताकि प्रभु तुम्हें स्वर्ग में देगा। ये आज्ञा प्रभु की है ताकि परमेश्वर की सेवकाई के लिए हम दे सके। हम इस सांसारिक पैसे के द्वारा, बाइबल में लिखा है कि अपने लिए दोस्त कमाना है हमको, उनके लिए पैसे खर्चा करके उनको कमाना है, उन दोस्तों को, और उनको प्रभु के भवन में लाना है, उनको प्रभु के बारे में बताना है। हालेलुया, यस, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि स्वर्ग में तुम्हें धन मिलेगा। हालेलुया, और फिर बाद में जो है प्रभु अगर बुलाता है तो भेजता है, वो काहे के लिए भेजता है? जो है मरकुस 5 अध्याय का 19 वचन। परंतु उसने उन्हें आज्ञा ना दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए। परमेश्वर ने जब उसको छुटकारा दिया तो परमेश्वर के पीछे, यीशु के पीछे वो आना चाहा, लेकिन
प्रभु यीशु मसीह ने कहा नहीं, जा पहले अपने घराने के लोगों को बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए क्या चमत्कार किया है। हालेलुया, परमेश्वर हमें भेजता है ताकि हम अपने परिवार के लोगों को प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाएं। हालेलुया, आज जिनके परिवार रिश्तेदार लोगों को अभी तक प्रभु के बारे में नहीं बताया गया है, कृपया बताएं, क्योंकि नहीं तो परमेश्वर आपसे जो है बहुत बड़ा लेखा लेगा उनके जीवन के लिए। आप उनको एक बार बताओ, एक बार बताना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, एक बार प्रभु के बारे में बता दो बस, बार बार मत बताओ। सुअरों के सामने अपने मोती मत डालो, बार बार करोगे ना तो वो उस सुअर उन जो है मोतियों को तो वो जो है पैर के नीचे रो देंगे और आपको भी फाड़ जाएंगे। लेकिन आपको एक बार तो जरूर बताना है भैया, उनको बुलाना बिठाना और बताना अपनी जिंदगी थोड़ी सी शब्दों में, भैया मुझे बचाया प्रभु ने, मेरा ऐसा मरू महान है, ऐसा ऐसा हो गया था यार, क्या करो यार, ऐसा 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 हुआ था, वैसा हुआ था, सारी बातें बताओ उनको आप। हालेलुया, पैसा तो इसीलिए दिया प्रभु ने हमको, आपके सारे ऑफिस के सब लोगों को प्रभु के बारे में बताओ, आपके पड़ोस के लोगों को प्रभु के बारे में बताओ। हालेलुया, जाओ और बताओ, जाओ और बेचो। हालेलुया, और बाइबल में लिखा है लुका उसका 17:14 उसने उन्हें देखकर कहा जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ, और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह ने कहा कि जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। हमें इस दुनिया में जाके दिखाना है, हमारा परफॉर्मेंस हो रहा है इस वक्त, हमारी बैटिंग चल रही है, हर कैसे सिक्सर लगाते हैं ये देखना है, और जब हमारा परफॉर्मेंस चल रहा है, जाओ और दिखाओ कि यीशु कितना जिंदा और महान है, जाओ और बताओ अपनी गवाही। सारी दुनिया के लोगों को आपकी गवाही मालूम होनी चाहिए, सारी दुनिया के लोग आपको देखेंगे और परमेश्वर पिता की महिमा करेंगे जब आप लगातार चर्च में आएंगे, जो जाते जाते ही शुद्ध हो गए, आप जाते जाते ही स्वर्ग प्राप्त करेंगे, चर्च आते आते ही स्वर्ग प्राप्त करेंगे, पवित्रता में रहते रहते ही स्वर्ग प्राप्त करेंगे, परमेश्वर के धर्म के रास्ते में चलते चलते ही स्वर्ग प्राप्त करेंगे। हालेलुया, परमेश्वर की आज्ञा थी कि जाओ अपने आप को दिखाओ, बस आज प्रभु ने यही आज्ञा दी है, जाओ, उसने भेजा है ना, जाओ अपने आप को दिखाओ कि तुम मसीह हो। उनके साथ शराब मत पियो बैठ के, सिगरेट मत फूको उनके साथ, गालियां मत दो, लेकिन आप पवित्र रह के दिखाओ कि परमेश्वर जीवित है, यीशु मसीह सच्चा है। जाओ अपने आप को दिखाओ कि तुम्हारे अंदर यीशु है। हालेलुया, फिर मत्ती 28:19 इसीलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। वाओ, और देखो दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जाओ बेचो, जाओ बताओ, जाओ दिखाओ, जाओ मानना सिखाओ, जाओ बैप्टिज्म दो। अरे बैठे हैं हम बैठे आराम के साथ, हम कहते जाओ और फोन देखो, जाओ और टीवी देखो, चर्च से जाते ही टीवी देखना, चर्च जाते ही फोन देखना, ये कितना जो है गलत बात है। आजकल तो जो है आजकल के लड़के बाले बड़े बिगड़े हुए हैं, सुबह से लेके जो फोन लेके बैठ जाते हैं शाम तक, और शाम के लेके जो बैठ जाते हैं वो रात तक। किसी माँ बाप की हिम्मत नहीं है बच्चों को बोलने की, छोड़ रहे क्या कर रहे हो, जैसे आप बोलेंगे किसी बच्चे को मैं जा रहा हूं घर से, फिर बाप कहता है कोई बात नहीं बैठ जाओ, मैं बोल रहा चल तू जा सो जा, हमारे जमाने में तो चाहे हम बच्चे डरते थे, आज के जमाने में माता पिता डरने लगे, बड़े हालत खराब हो गई, लड़के बाले कैसे बिगड़ गए, अंदर से अंदर मुझे बहुत गालियां पड़ रही, बात अलग है, देखो कितनी गालियां देने दे दो, लेकिन मुझे बोलने दो सच्चाई, आजकल के लड़के वाले कितने बिगड़ गए। खैर, तो इसलिए प्रभु का वचन कहता कि मैं तुम्हें भेजता हूँ। हालेलुया, फोन लेके नहीं भेजा लोगों ने, एनआई टीवी लेके भेजा है, बाइबल लेके भेजा है, सेवकाई के लिए भेजा है। हालेलुया, जाओ और बेचो, मैं फोन को नहीं कह रहा हूं, लेकिन जाओ और बेचो और प्रभु के लिए आत्मा जिताओ, और प्रभु कहते स्वर्ग में तुम्हें धन मिलेगा। जाओ और बताओ, जाओ और दिखाओ, जाओ और उनको मानना सिखाओ,
जाओ और उनको बैप्टिज्म दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा है कि जैसे पिता ने मुझे भेजा है मैं तुम्हें भेजता हूं। ये वचन किसके लिए है? मेरे लिए। किसके लिए? कौन कौन ये वचन ग्रहण करता है यीशु के नाम से? हालेलुया। आज प्रभु अगर आपको कहता है कि मैं तुझे भेजता हूं तो सच में हम जाने के लिए तैयार होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर के पास एक प्रॉब्लम है बेटा, परमेश्वर के पास एक प्रॉब्लम है ब्रदर, एक प्रॉब्लम परमेश्वर के पास और प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो भाई हमारे पास है इतनी सारी प्रॉब्लम। परमेश्वर के पास प्रॉब्लम हो सकती है? है परमेश्वर के पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम आपके साथ जुड़ी हुई है। परमेश्वर की प्रॉब्लम आपके साथ जुड़ी हुई है। परमेश्वर की प्रॉब्लम आप सुनना चाहते हैं? हमेशा अपनी प्रॉब्लम प्रभु को सुनाते रहते हो, प्रभु ये हो गया, प्रभु हो गया, प्रभु ऐसा हो गया, प्रभु ऐसा हो गया। प्रभु की प्रॉब्लम भी तो सुनो, सुनना चाहते हो प्रभु की प्रॉब्लम? चलो फिर खोलो बाइबल, परमेश्वर की प्रॉब्लम सुनता है तो परमेश्वर की प्रॉब्लम सुनो। परमेश्वर क्या कहता है? हालेलुया। प्रभु कहता है यशया उसके छठवें अध्याय और उसके आठवें वचन में, मेरे पीछे बोलिए, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह है वहां पर, हमारी ओर से कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन मेरे लिए, प्रभु तो मुझको भेज, मैं जाऊंगा। एक कवि ने कहा कि भले जब प्रभु जाने की बात कहता है तो कितने जोर से चिल्लाते हैं, कौन जाएगा। अजय अपनी बात भेजने की बात करे, प्रभु मुझे मैं जाऊंगा, अरे जोर से बोलो, प्रभु मुझे भेज, मैं जाऊंगा, ऐसा बोलना चाहिए उसने। खैर, तो प्रभु की प्रॉब्लम आपको समझ में आई? प्रभु की प्रॉब्लम समझ में आई? आज प्रभु क्यों प्रॉब्लम है पता है? प्रभु कहता है कि हमारी ओर से कौन जाएगा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा से और से कौन जाएगा। उस जमाने में यशाया था, उसने एकदम तुरंत कहा, हे प्रभु मुझे भेज, मैं जाऊंगा। आज कौन कौन कहने के लिए तैयार है कि मुझे भेज, मैं जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। अपने हाथों को उठा के दिखाइए प्रभु, प्रभु प्रभु देख रहे हैं आपके हाथ, प्रभु आपके हाथों को, सुंदर हाथों को, आपके सुंदर चेहरों को, आपके सुंदर जीवन को देख रहा है और वो आपके जीवन को लेगा। योना के समान मत करना, अगर बोला है कि मैं जाऊंगा तो जाएगा। और परमेश्वर की ओर से भविष्यवक्ता बनी है, परमेश्वर की ओर से प्रचारक बनी है, परमेश्वर की ओर से संदेश देने वाला बने। परमेश्वर आपको चुनना चाहता है। हालेलुया प्रियो, तो इसलिए प्रभु कहता है जाओ और बेचो, जाओ और बताओ, जाओ अपने आप को दिखाओ, जाओ मानना सिखाओ, जाओ बैप्टिज्म दो, और ऐसा करने के द्वारा दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाए प्रभु की उपस्थिति में और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर तू मुझे भेज, प्रभु तू मुझे भेज। हालेलुया। हर एक जन हालेलुया अपने अपने जगह पे हालेलुया प्रभु से बात करना शुरू करे और प्रभु से कहना शुरू करे, ये प्रभु तू मुझे भेज। जैसे पास्टर अब्राहम, कौन जाएगा इस गीत को गाएंगे, ओ कौन जाएगा, I'm not afraid.
यीशु कहता है कौन जाए, पिता खुद पवित्र आत्मा से पूछ रहा प्रियो तुम्हारे लिए कौन जाएगा, प्रभु से बोले ओ प्रभु तू मुझको मैं जाऊंगा प्रभु, अपने ऑफिस में, अपने वर्किंग प्लेस में, अपने रहने के क्षेत्र में, ओ खेत पाक चुके हैं मजदूर तो थोड़े ही हैं, कटनी मिली खेतों में कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा, ओ हे भारत के विश्वासियों क्या तुम जाओगे, ओ कलवरी चर्च के विश्वासियों तुम सब क्या तुम जाओगे, उन प्रभु जी आज हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर तेरे सन्मुख आज हम आते हैं राजा, हम कहते हैं पिता परमेश्वर कि तेरे लिए हम जाएंगे, आत्माओं को जीतने का बोझ रख के हम तेरे लिए जाएंगे यीशु राजा, और राजा हम तेरे लिए आत्माओं को जीतेंगे पिता परमेश्वर, आज हमने वचन में तेरी समस्या को जाना, आज हमने वचन में तेरी पिता की इच्छा को जाना, ओ आज तेरा बोझ है कि हम आत्माओं को जीते, प्रभु जी हमें आत्माओं के बोझ से भर दे, हमें रोने के लिए सहायता कर, वो आत्माओं के लिए आंसू बहाने के लिए सहायता कर, अपने 10-10 टारगेट्स को तेरे लिए जीतने के लिए सहायता कर, प्रभु जी कलवरी कलीसिया को तू प्रज्वलित कर राजा, ओ आग हरेक के जीवन में जलने पाए, पवित्र आत्मा की सुसमाचार की आग हरेक के जीवन में जलने पाए, प्रभु जी हम जाकर तेरे चेले लोगों को बनाए, ओ उनको बपतिस्मा के लिए तैयार करे राजा, जल्द से जल्द कलीसिया हजारों में तब्दील होने पाए पिता परमेश्वर, वो दिल्ली भर शहर में भारतवर्ष में कलवरी कई सके द्वारा एक बहुत बड़ी बेदारी खड़ी होने पाए राजा, आज हम प्रार्थना करते हैं ओ हमें तू अपना योद्धा बना, सुसमाचार का योद्धा बना, अपना प्रचारक बना राजा, अपने आप को समर्पित हम करते हैं राजा, इसलिए की प्रार्थना को तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं जैसे स्वर्ग मूल का पिता, आमेन 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 आमेन, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ, यहाँ पर उपस्थित हर एक व्यक्ति के साथ, उनके परिवारों के साथ, कलवरी परिवार के साथ, आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आने तक बनी रहे, आमेन आमेन हालेलुया, प्रिय प्रचारक बने प्रभु यीशु मसीह के लिए, आत्माओं को जीते, आपके लिए प्रार्थना की जाएगी, धन्यवाद आने के लिए, सबको जय मसीह की।